दोस्तों पाकिस्तान को 368 रन बनाने थे, लेकिन इसके बाद उनकी हो गई हवा खराब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच वर्ल्ड कप का ये बड़ा मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया, जहां ये मैच इतना शानदार था कि डेविड वार्नर ने एक के बाद एक बड़े छक्के जड़े। जहां पहले इस मैच की शुरुआत कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी से की थी और उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ। जहां दोस्तों पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर का रिव्यू ले लिया गया था, लेकिन दोस्तों वो नॉट आउट निकले थे और जब इसके बाद वार्नर ने अपने 10 रन बनाए थे तब भी उनका एक कैच छूट गया था। जहां इसके बाद डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत इस मैच में धमाकेदार अंदाज में करवा दी, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह धोया कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, इस मैच में ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक बड़े छक्के जड़ रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छक्के का कंपटीशन लग चुका था कि कौन कितने छक्के मारेगा। जहां एक के बाद एक ये दोनों बल्लेबाज छक्के चौकों में बातें कर रहे थे और दोस्तों हैरी सुरूफ से लेकर सभी गेंदबाजों को इन दोनों खिलाड़ियों ने पूरी तरह धोके रख दिया था और पाकिस्तान की पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। जहां कप्तान बाबर आजम पूरी तरह परेशान हो गए थे और बार बार आकर अपने गेंदबाजों को समझा रहे थे, लेकिन दोस्तों इन दोनों की पिटाई के आगे पाकिस्तान के गेंदबाज सभी भूल गए थे, क्योंकि दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 259 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी थी। जहां इस मैच में पहले वार्नर ने अपना शतक पूरा करा, जहां शतक पूरा करने के बाद वार्नर ने पुष्पा का स्टाइल मारा था, तो अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला। जहां शतक पूरा करने के बाद तो ये दोनों बल्लेबाज और भी तेज बल्लेबाजी करने लग गए थे, लेकिन इसी बीच मिचेल मार्श एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 259 रन के स्कोर पर शाहिनशाह अफरीदी की गेंद का शिकार बने और मिचेल मार्श 121 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अगले ही गेंद पर शाहिनशाह अफरीदी ने मैक्सवेल को भी आउट कर दिया था और दोस्तों मैक्सवेल अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां मिचेल मार्श के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की पूरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इस मैच में इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी करी और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक के बाद एक बड़े झटके दिए। लेकिन एक तरफ डेविड वार्नर कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ केवल 7 रन बनाकर आउट हो बैठे थे। लेकिन इसके बाद वार्नर ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे और इसके बाद वो अपने दोहरे शतक को देख रहे थे, लेकिन दोस्तों वो भी इसके बाद आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में 225 रन के स्कोर पर हैरी सुरूफ की गेंद का शिकार बने। लेकिन तब तक डेविड वार्नर ने कमाल की पारी खेल डाली थी। उनकी इस पारी में 9 छक्के तो 14 चौके शामिल थे और वो 163 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद एक धड़ाम से विकेट गिरने लग गए, क्योंकि इसके बाद मार्कस स्टोइनिस भी केवल 21 रन बनाकर आउट हुए थे, तो जॉस इग्लिस 13 रन बना पाए थे। जहां लबुशेन ने केवल 8 रन बनाए, तो मिचेल स्टार्क 2 रन बना पाए थे, तो हेजलवुड ने अपना खाता नहीं खोला था। जहां कप्तान पैट कमिंग्स ने 6 रन बनाए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 367 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से शाहिनशाह अफरीदी को उनके 10 ओवर में 54 रन देकर 5 बड़े विकेट हाथ लगे थे, तो हैरी सुरूप ने अपने 8 ओवर में 83 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। उस्मान मीर को 1 विकेट हाथ लगा था और दोस्तों पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों की इस मुकाबले में जबरदस्त पिटाई की गई थी। और दोस्तों अब पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप का मुकाबला जीतने के लिए 368 रन बनाने थे। और जब पाकिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मुकाबले में काफी शानदार रही, क्योंकि इस मैच में इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक कमाल की बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की शुरुआत काफी कमाल के अंदाज में करवा दी थी। और इस मैच में पाकिस्तान की टीम अच्छी शुरुआत के बाद पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में शुरू से बनी हुई थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। जहां इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान की शुरुआती पार्टनरशिप ही 134 रनों की हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया की हालत इस मैच में पूरी तरह खराब हो चुकी थी। लेकिन जब इसके बाद 134 रन के स्कोर पर मार्कस स्टोइनिस ने अब्दुल्ला शफीक को आउट करा तो वो 64 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़े झटके लगे, जिससे पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में एक बार पूरी तरह फंसती दिखाई दी। जहां इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने एक बार फिर से
154 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका देकर इमामुल हक को आउट कर दिया और वो दोस्तों 70 रन बनाकर आउट हुए थे। झांस के बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 175 रन के स्कोर पर एडम जैम्पा ने देकर कप्तान बाबर को आउट कर दिया था और दोस्तों बाबर आजम 18 रन बनाकर आउट हुए थे और पाकिस्तान के जहां 134 रन के स्कोर पर एक भी विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के 175 रन के स्कोर पर आते आते तीन बड़े विकेट गिर चुके थे और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से पूरी तरह इस मुकाबले में पीछे चली गई थी। लेकिन इसके बाद मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा, जहां इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से ही तीसरे ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था और इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम ने एक बार फिर से इस मुकाबले में अपनी जीत की उम्मीदों को जगा दिया था। लेकिन इसके बाद साउथ शकील, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो एक गलत शॉट खेलकर कप्तान पैट कमिंग्स की गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने इफ्तिकार अहमद उतरे और दोस्तों इफ्तिकार अहमद ने एक के बाद एक तीन बड़े छक्के लगाकर इस मैच में पाकिस्तान की उम्मीदों को पूरी तरह पक्का कर दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब एडम जैम्पा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया तो फिर इफ्तिकार अहमद केवल 26 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों इसके बाद एडम जैम्पा ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 274 रन के स्कोर पर देकर मोहम्मद रिजवान को आउट कर दिया और दोस्तों रिजवान 46 रन बनाकर आउट हुए थे और एडम जैम्पा ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त तरीके से पकड़ मजबूत कर दी थी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद मोहम्मद रिजवान पर टिकी थी और दोस्तों उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की हालत इस मैच में और भी खराब हो गई थी। जहां दोस्तों रिजवान जब आउट होकर जा रहे थे तो उन्होंने रिव्यू तक लिया था, लेकिन दोस्तों अंपायर कॉल्स होने की वजह से उन्हें एक बार फिर से आउट दिया गया। हालांकि इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन उनका छक्का कुछ काम नहीं आया क्योंकि इसके बाद एडम जैम्पा ने उनको भी आउट कर दिया था और मोहम्मद नवाज 14 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों हेजलवुड ने इससे पहले उस्मान मीर को आउट कर दिया था और वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे। तो दोस्तों इसके बाद मिचेल स्टार्क ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 301 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को नौवां झटका देकर हसन अली को आउट कर दिया था और हसन अली 8 रन बनाकर आउट हुए थे और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत इस मैच में पूरी तरह पक्की हो गई थी, जहां आखिरी में शाहीन शाह अफरीदी ने दो चौके लगाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान पैट कमिंग्स ने 305 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को आखिरी झटका देकर शाहीन शाह अफरीदी को आउट कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस वर्ल्ड कप के मुकाबले को 62 रनों से अपने नाम कर लिया। जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा को 4 विकेट हाथ लगी थी, उन्होंने केवल 10 ओवर में 53 रन दिए थे और उनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से ही इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त वापसी करी थी। तो इस मैच में कप्तान पैट कमिंग्स और मार्कस टोनिस को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो मिचेल स्टार्क और जोस हेजलवुड ने भी 1-1 विकेट लिया था और दोस्तों ये लगातार ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जीत हो चुकी है। तो पाकिस्तान की टीम लगातार अपना दूसरा वर्ल्ड कप मैच हार चुकी है, ऐसे में दोस्तों ये रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 62 रनों से अपने नाम कर लिया है।